यहाँ इंसानों से एक दिल संभाले नहीं संभलता, और ये एक ऐसा जानवर है जो तीन तीन दिलों के साथ घूमता है। क्या आपको ये पता है, एक ऐसा देश जहाँ सुसाइड करने वालों से भी बड़ी कीमत उनकी फैमिली वालों को चुकानी पड़ती है, एक ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 2000 से ज्यादा बढ़ती ही नहीं, और एक ऐसा देश जहाँ के 5000 रुपए भारत के सिर्फ 10 रुपए के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने तो एप्पल खाए होंगे, और क्या आपको इसका अंदाजा है कि एप्पल के कितने वैरायटी होते हैं? आपका जवाब 10 या 20 होगा, पर आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि एप्पल 7000 वैरायटी में मिलती है, और उसमें से बस 12 वैरायटीज ही नॉर्मली मार्केट में मिलती है, और इनमें से कुछ एप्पल तो इतने ज्यादा महंगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, एक एप्पल की वैरायटी है जिसकी कीमत 9000 रुपए सिर्फ 6 एप्पल की है। नेक्स्ट, जापान में काम को इतना सीरियसली लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इन्हें अपने काम में लेट पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए जापान में अगर कोई रेलवे ट्रेन के सामने आकर सुसाइड करता है तो इसकी फैमिली वालों को फाइन भी भरना पड़ता है, क्योंकि उस आदमी के चलते सबको लेट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आपको ये पता है, ग्रीस में एक स्टेट है जिसका नाम एथोस है, जो कि उसके बाजू के पहाड़ माउंट एथोस की वजह से पड़ा है, और वहाँ की पॉपुलेशन बस 2000 लोगों की ही है। पर शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात तो ये है कि वहाँ की 99% पॉपुलेशन आदमी है, यानी कि 1950 आदमी है और बस 50 औरत ही है वहाँ पर। नेक्स्ट, ये बात तो आपको पता ही होगा कि जो हम हनी खाते हैं वो बीज या मधुमक्खी बनाती है, पर क्या आपको ये पता है कि जो हम हनी खाते हैं उसको बनाने के लिए मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एक चम्मच हनी बनाने के लिए 12 मधुमक्खी को अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, यानी कि एक चम्मच हनी को बनाने के लिए 12 मधुमक्खी अपनी पूरी जीवन भर काम करती है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल और 8 पैर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, उसका नाम ऑक्टोपस है। पर क्या आपको ये पता है, ऑक्टोपस जो है कितनी भी छोटी जगह से निकल सकता है, चाहे भले ही वो होल बस 2 सेंटीमीटर का क्यों ना हो, पर इसके पीछे का रीजन यह है कि दरअसल ऑक्टोपस में हड्डी होती ही नहीं है और बस मसल्स होते हैं, जिससे वो अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, और ऐसा करके वो छोटे से छोटे होल से भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने कभी सिक्कों को गौर से देखा होगा तो आपने यह नोटिस जरूर ही किया होगा कि सिक्कों के सबसे नीचे इंड में एक डॉट होता है, और क्या आपको ये पता है यह डॉट क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं। अगर सिक्कों के नीचे डायमंड के शेप का डॉट होता है तो वो सिक्का मुंबई में बना होता है, अगर सिक्के के नीचे स्टार शेप होता है तो ये हैदराबाद में बना हुआ होता है, अगर एक डॉट होता है तो ये नोएडा में, पर कभी कभी ये सिक्के इंडिया में नहीं बनते तो उस सिचुएशन में सिक्के के नीचे सी का शेप बना होता है। नेक्स्ट, जब भी करेंसी की बात आती है तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी US डॉलर के सामने काफी कम है, लेकिन क्या आपको ये पता है, एक कुवैती दिनार इज इक्वल टू 4 US डॉलर होते हैं। पर दोस्तों, आप ये जान लें कि भारत की करेंसी ही कम नहीं है, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज से भी काफी कम है। अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं टॉप वीकेस्ट करेंसी इन दी वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर पे है इराक, जो कि काफी ज्यादा गरीब देश है, और यहाँ की कुछ ही लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, और बाकी पूरा देश काफी ज्यादा गरीबी में है, और यही वजह है कि इराक की करेंसी रियाल काफी ज्यादा कमजोर करेंसी में से एक है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि भारत का 1 रुपया यहाँ 571 रियाल होते हैं, और US का 1 डॉलर यहाँ 40,000 रियाल से भी ज्यादा होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।